बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो भी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम न्यूज़ देख लेंगे। नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है जनाब 16 सितंबर से, और 16 को तो कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी के हवाले से। ट्यूसडे को 17 सितंबर को भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है शाम 5:30 बजे रिटेल सेल्स की, और सबसे जो मेजर डाटा है वो बुध वाले दिन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, और यानी रात 11 बजे ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और जुमेरात की अगर बात करें तो जैसे 5:30 बजे न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, वही डाटा है इसमें। और फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं। तो बहरहाल ये जो वेबसाइट है आप ज़रूर देख लिया करें जब भी आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, ताकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का आपको पता होना चाहिए किस टाइम हाई। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेड को एक्सिक्यूट करने से पहले। चलिए चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में। तो अभी जो इसने हाई लगाया है अभी तक ऑल टाइम हाई, वो तकरीबन गोल्ड ने लगाया है जनाब ये 2586 का, ठीक है जी। ये हाई लगाया और काफ़ी बुलिश रहा है गोल्ड, खासतौर पर लास्ट जो वीक था काफ़ी बुलिश रहा है गोल्ड इसमें। तो यहाँ पर अभी आप सेलिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं, जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी, वो कहते हैं ना, गंभीर सूरत हाल है। तो सेलिंग की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीक है वो स्टिल जो है वो गोल्ड के लिए बुलिश है। नेक्स्ट वीक काफ़ी चांसेस है, ये 90% मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्ड स्टिल बुलिश है। तो यहाँ पर अगर आप बायर्स हैं तो अपनी जो पोजीशंस हैं उनको आप होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो यकीनन ये 2600 का टारगेट, ठीक है जी। गोल्ड नेक्स्ट जो है वो 2600 का जो लेवल है वहाँ तक जा सकता है, यानी ये इसका जो लेवल है। ये तो मंथली कैंडल है, वीकली कैंडल है। तो अभी जो है हमने इसमें क्या करना है जी, बाइंग देखनी है किस किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। हमेशा वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा आप ये चांसेस हैं विनिंग के, ठीक है। और जब तक ट्रेंड ओवरऑल चेंज नहीं होता आप सेलिंग ना करें गोल्ड में। फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी गोल्ड जो है वो बुलिश है। अच्छा, अब जो है कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से हम इसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लास्ट डे का जो हाई लो है इसको आपने ज़रूर मार्क कर लें। ये लास्ट डे का लो हो गया और ये लास्ट डे का हाई हो गया। इसका कलर मैं जो ऑल टाइम हाई मैं देता हूँ उसको, ठीक है जी। अब जो है इसमें हम चलते हैं जी 1 आवर में। अब इस तरह की सिचुएशन है जी 1 आवर में। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं होता या कोई ऐसा साइन नहीं होता जहाँ से हम के रेजिस्टेंस को मालूम कर सकें। काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर जाती है तो मार्केट मज़ीद भी ऊपर जा सकती है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट गोल्ड जो है वो
2600-2610 का लेवल जो है वो ज़रूर अचीव कर सकता है। उसके बाद 50-50 है, या तो यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है आपको, या फिर ये रिट्रेसमेंट लेकर दोबारा ऊपर जा सकता है। बहरहाल हमारा जो कंसर्न है वो नेक्स्ट वीक जो 2 से 3 दिन होंगे वो बुलिश ही हो सकते हैं गोल्ड के लिए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम फिब लेवल ड्रॉ करते हैं। लास्ट जो हमारे पास एक हल होता है वो यही होता है जी, फिब लेवल। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो आपका इसमें बाइंग लेवल हो सकता है वो यहाँ पर है 2569 का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बाइंग लेवल है वो हो सकता है 2558 का, और उसके बाद जो का लेवल है वो हो सकता है 2550 का, ठीक है। और लास्ट जो इसका लेवल है 61.8 का वो 2541 का। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये वो बाइंग लेवल है। अब ये पॉसिबल है कि ये जो हमारे पास जोन है ये वाला, ये तकरीबन 2563 से 2568 का बनता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अगर आप नोट करें यहाँ से मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक किया है, और यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। तो ये चांसेस हैं कि मार्केट इस जोन से दोबारा आपको पुल बैक दे। अगर इन केस मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो लेवल है वो ज़्यादा फेवरेट है 2560 का, ठीक है। ये जो 2558 2560 का जो लेवल है ये ज़्यादा फेवरेट है मेरा, यहाँ से ज़्यादा पॉसिबल है मार्केट, क्योंकि ये 38.2 तो ये तकरीबन 2558 से 2560 का ये जोन बनता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो ये जो लेवल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है जी। अब तो पहला तो आपके पास, अब मैं आसान करके आपको बता देता हूँ, पहला आपके पास ये जोन होगा बाइंग का, बाइंग करनी है आपने, ठीक है। सेलर पहले इसमें काफ़ी ट्रैप हुए हैं, और उसके बाद ये वाला जो लेवल है ये लेवल, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से इसका आप मोमेंटम देख रहे हैं, कि आप इसकी देखें ना डायरेक्शन तकरीबन बिल्कुल 90 डिग्री पे है। इस तरह जब मार्केट मूव करे तो वो 50 या 61.8 के लेवल तक कम ही आती है। अगर रिट्रेसमेंट करे तो या तो वो यहीं से डबल बॉटम बना के निकल जाएगी, या फिर वो ये जो लेवल है ये भी एक अच्छा लेवल है 2560 का, ये एक बाइंग लेवल आपके लिए हो सकता है। बहरहाल इसमें आप इन शॉर्ट बाइंग देखें या सेलिंग अभी ना देखें अनटिल के मार्केट 2600 के लेवल को टच करे, उसके बाद हम में देखेंगे कि क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। बाकी आप होल्ड के सिग्नल्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप एक्सनेस की हमारी टीम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम इसमें $200 डिपॉजिट है, ना ज़्यादा नहीं है, और बाकी जो है अकाउंट मैनेज भी आप करवा सकते हैं अपना, और उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, बहुत सेफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और मैक्सिमम हमारा 0.01 लॉट साइज हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस है चाहे हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है। इसमें यह होता है कि आपके लॉस के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, और स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, लॉस भी होता है, लेकिन उसमें तरीके से मैनेज किया जाता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक प्रॉफिट में होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें अभी आप समझा करें कि कैसे हमने ट्रेड को मैनेज करना है, रिस्क रिवार्ड को कैसे मेंटेन रखना है, ये फॉरेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहरहाल दो में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।